हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। और आज हम बनाने वाले हैं बादाम मिल्क, बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और एकदम हेल्दी सा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस बादाम मिल्क की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो एक ग्लास बादाम मिल्क के लिए यहाँ पे मैंने 2 ग्लास जो है फुल क्रीम दूध लिया है। इस ग्लास के नाप से आप डबल ले लीजिए जितना भी आपको मिल्क बनाना है उसका। गैस का फ्लेम लो रखा है मैंने और इस पर मैंने ये फुल क्रीम दूध 2 ग्लास के बराबर डाल दिया है। और इसे हमें लो फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते हुए रखे रहने देना है लगभग 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे रखे रहने देना है। हर एक मिनट में हमें इस तरीके से इसे चलाना है, इसे जलने नहीं देना है। यहाँ पे देखिए ऊपर इस तरीके से मलाई जम जाती है, इसे भी हटा लेना है। साइड से ये चिपक रहा है तो इसे भी हटा लेना है, हमें इसे बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। तो पहली स्टेप तो ये हो गई है, इसे इसी तरीके से रखे रहने देंगे और आराम से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। कोशिश करें आप जो भी बर्तन ले रहे हैं वो थोड़ा मोटा बर्तन ले, मतलब कि भारी तले का बर्तन ले। तो चलिए इसे रखे रहने देते हैं और चलाते रहेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे मैंने 20 से 25 बादाम लिए हैं, क्योंकि हम बादाम मिल्क बना रहे हैं तो बादाम लेना तो ज़रूरी है। और थोड़ी ज़्यादा लें तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इन बादाम को मैंने रात भर भिगा करके रखा था, आप 2 से 3 घंटे थोड़े गर्म पानी में भिगा करके भी रख सकते हैं। तो इन्हें हमें इस तरीके से छील करके ले लेना है, इनका छिलके वाला जो पार्ट है वो हटा देना है। तो सारी बादाम इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। तो देखिए मैंने सारी बादाम का छिलका हटा लिया है और एक बार इसे धो लेंगे। धो लेने के बाद हम मिक्सर जार में इसे डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे धो लिया है, अब जार में मैं इसे डाल दूंगी और यहाँ पे मैं दूध डाल दूंगी लगभग 1 बड़े चम्मच जितना। और दूध डाल करके हम इसे पीस लेंगे, ज़रूरत लगेगी तो और दूध भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे दरदरा पीसने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं। अब एक दूसरा बाउल ले लिया है मैंने, इसमें फिर से 1 बड़े चम्मच जितना दूध ले लिया है और इसमें डालने वाले हैं हम कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने ये वाला जो है वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, आपको जो भी पसंद है आप वो वाला वनीला पाउडर कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर इस ठंडे दूध में डाल दिया है। एक बार बॉईल किया हुआ दूध लिया है मैंने, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करके साइड में रख लेंगे हम। तो देखिए परफेक्टली इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा क्रीमिशनेस आएगी, बाकी ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। तो बादाम को मैंने पीस करके रेडी कर लिया है, इसमें लगभग 1 बड़े चम्मच दूध की ज़रूरत और लगी है। तो लगभग यहाँ पे बादाम को पीसने में 2 बड़े चम्मच दूध मैंने यूज़ किया है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको एकदम पीस करके रेडी कर लिया है, तो ये भी रेडी है। तो चलिए अब दूध को देख लेते हैं। दूध को बीच बीच में मैंने चला लिया है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। तो इसे रखे हुए लगभग 15 से 16 मिनट हो चुकी है और अब हम इसमें कुछ केसर के धागे डाल देंगे। तो 4-5 केसर के धागे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। इसके साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, तो 1/4 छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर डाल दिया है। शक्कर डाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 बड़े चम्मच के नाप से डाल रही हूँ, लगभग 4 चम्मच के बराबर शक्कर। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो नॉर्मल हमारे खाने की चम्मच होती है उससे थोड़ी सी बड़ी वाली चम्मच से 4 से 5 चम्मच डाल दीजिए। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से शक्कर को भी मेल्ट होने देते हैं और केसर को भी अपना फ्लेवर छोड़ने देते हैं। तो इसी तरीके से मिलाते रहना है हमें। और 2 से 3 मिनट बाद हमने इसमें ये जो बादाम पीस करके रखी हुई है ये डाल देंगे। तो आप चाहें तो थोड़ा दूध डाल के इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि दूध को ऑलरेडी हमने 15 मिनट पका लिया है। फिर से हमें दूध को और गाढ़ा करना होगा, पकाना होगा, इसीलिए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमें इसे मिक्स कर लेने के बाद 2 मिनट इसे चला लेना है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए बादाम मिल्क डालने के बाद 1 से 2 मिनट बाद ही इसकी थिकनेस इस तरीके की हो जाती है। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिना कस्टर्ड पाउडर के इस तरीके से भी दे सकते हैं पीने के लिए। तो यहीं पर हमने ये जो पाउडर घोल करके रखा था इसे भी डाल लेते हैं। तो इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से और इस तरीके से घुमाते हुए चम्मच को चलाते हुए हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का करके हमें इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े।
अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप चाहें तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई भी कर सकते हैं, मैंने लो ही रखा है। लो फ्लेम पे हम इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब हमें इसकी थिकनेस देखनी है, जैसे जैसे कस्टर्ड पाउडर पकता जाएगा वो थोड़ा फूलता जाता है, मतलब कि दूध हमारा थिक होता जाएगा, इसीलिए ज़्यादा देर नहीं पकाना है हमें। अब इसे जिस कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए उसी कंसिस्टेंसी में आके गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे 2 से 3 मिनट लगे, ये इस तरीके से थिक होने लगा है हमारा दूध, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके से। और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा, तो मैं यहीं पे गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा और भी पका सकते हैं, पर इसमें एक्स्ट्रा और वनीला जो पाउडर है, कस्टर्ड पाउडर है, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट कर लीजिए, शक्कर कम लगे तो थोड़ी शक्कर और ऐड कर लीजिए। गैस का फ्लेम मैंने अब यहाँ पे बंद कर लिया है, इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे, पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे और इसके बाद फ्रिज में रख के इसे ठंडा करके सर्व कीजिए। तो मैंने इसे 5 से 10 मिनट ठंडा कर लिया, देखिए ये और थिक हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्विंग करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख लीजिए। यदि गर्म खाना पसंद है चम्मच से, तो इसी तरीके से आप हल्का गर्म खा सकते हैं, या फिर आप इसे पी सकते हैं, या फिर आप इसे ठंडा करके पी सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने इसकी सर्विंग कर ली है। ऊपर से हम इसमें कुछ कटे हुए बादाम के पीसेस डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर वो बीच बीच में आएंगे, जैसा भी आपको पसंद है। तो बन करके तैयार है हमारा बादाम मिल्क, एंजॉय कीजिए।